हाथरस के एक गांव से पिछले कई दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक युवक हाथ में पिस्तौल लेकर वीडियो बना रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस वीडियो को देखने के बाद देखना होगा कि पुलिस युवक पर एक्शन लेती है या फिर ऐसे ही अपराधियों को बढ़ावा देती रहेगी। आप सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में अखिलेश यादव से उनकी आवास पर मुलाकात करके नेता संसदीय दल चुने जाने की बधाई दी है। महोबा में भीषण गर्मी के चलते बढ़ती आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला अस्पताल का मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में लगे पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों को भी चेक किया, साथ ही अस्पताल में आग से बचाव को लेकर की जा रही स्थायी व्यवस्थाओं को भी परखा। जालौन के गढ़गुड़ा गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने पुलिस विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के काफी समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने का प्रयास किया। भाजपा विधायक ब्रजेश रावत की दबंगाई सामने आई है। ब्रजेश रावत युवक और महिलाओं को धमकाते हुए नजर आए। युवक से बाइक की चाबी छीनी, महिलाओं को अंदर कराने की धमकी दी। वहीं शिकायत करने के बाद भी पुलिस विधायक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कानपुर के गंगा बैराज पर एक युवक का बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बावजूद इसके क्षेत्रीय थानों की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं इस मामले में एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज का सोशल मीडिया के द्वारा एक वीडियो सामने आया है, जिस पर गाड़ी नंबर प्लेट की जाँच पर गाड़ी उन्नाव की बताई जा रही है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जालौन में कुत्ते के टकराने से अनियंत्रित होकर सड़क पर बाइक गिर पड़ी और बाइक पर सवार मामा भांजे भी उछलकर गिर पड़े। हादसे में मामी की मौके पर ही मौत हो गई और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालौन की उरई कोतवाली में डीएम और एडिशनल एसपी की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। वहीं अधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण को लेकर संबंधित विभाग को कड़े निर्देश दिए। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां गुरसराय रोड पर चलती मोटरसाइकिल में अचानक भीषण आग लग गई। बाइक सवार व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर के जिला कारागार में डीजी जेल पीवी रमा शास्त्री ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को भी परखा। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से बातचीत की और कई कार्यों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार सास की मौत हो गई और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक ने पिकअप गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और घायलों को रेस्क्यू कर लिया गया है। शिवपुरी जिले के जिला अस्पताल का आईसीयू वार्ड और जनरल वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। जहां इतनी भीषण गर्मी में काफी समय से एसी खराब पड़े हुए हैं, जिससे आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन कई बार तो घर और बाजार से पंखा कूलर खरीद कर अपने मरीजों के लिए हवा का इंतजाम करते हैं। वहीं इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव से पूछा गया तो उनका कहना है कि गर्मी का तापमान ऊपर नीचे होने के कारण आए दिन फॉल्ट हो रहे हैं। जल्दी खराब एसीयू को ठीक करा दिया जाएगा।